कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ऑल ओवर पाकिस्तान, अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामईन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। दिस इज ट्रेजरी बात इंग्लिश पे एंड मायसेल्फ कॉल सबा गजारी। यस लिसनर्स, यू नो कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है। हमारा फॉर्मेट होता है कुछ मीडियम्स, कुछ टॉपिक, कुछ कोटेशंस, लेकिन आज हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा हट कर है। पर उससे पहले ये सुनाए कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे गुजार रहे हैं अपनी लाइफ को लॉकडाउन एंड ईद उल अज़हा टुगेदर। बात करेंगे उस पर भी, लेकिन हमारे साथ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद है जिनसे हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम का और करेंगे उनसे भी थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे। तो इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं आपके सामने हमारे गेस्ट को। आज हमारी गेस्ट स्पीकर है मिस अफीरा आजम, जिनका ताल्लुक बहुत सारे शहरों से है। आई कैन नॉट टेल इन सिंगल मिनट के उनका ताल्लुक किस किस शहर से, क्योंकि वो कराची में भी मुझे नजर आती है, वो इस्लामाबाद में भी नजर आती है, वो सरगोधा में भी नजर आती है। वो एजुकेशन में मास्टर्स कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पेशल एजुकेशन में परसू कर रही है मास्टर्स, और फॉर द लास्ट 5 years अपनी सर्विसेज दे रही है। अस्सलाम वालेकुम अफीरा। वालेकुम अस्सलाम, और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अफीरा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं सबा? मैं भी ठीक हूँ और बहुत ज्यादा खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने शो में और बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लैड, दिस इज एन ऑनर फॉर मी कि आप जैसा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और एक्सपर्ट स्पेशल एजुकेटर हमारे साथ है। In fact, this is an honor for me to be a part of your program. Thank you so much for inviting me over here. Oh, well, thanks very much. अफीरा, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि हमारे शहर का मौसम तो बदलता रहता है कराची का, यानी कि तो हम कराची आई तो आदि हैं, आप भी यहाँ रहकर गई हैं, लेकिन अब बताएं आप, आपके शहर का मौसम कैसा है अभी, आजकल आप कहाँ पर मौजूद हैं? जी, आजकल जैसे कि आपने बताया कि मैं कभी जो है वो सरगोधा होती हूँ, कभी कराची में होती हूँ, कभी इस्लामाबाद में होती हूँ, तो आजकल जो है मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद का मौसम जो है वो गर्म तो है, बट वी आर एंजॉयिंग द रेन। इस्लामाबाद स्पेसिफिकली तो मिस करती है आप कराची को? कराची को बहुत मिस करती हूँ, ऑल्दो इस्लामाबाद इज क्वाइट नेचुरल और बहुत अच्छा सिटी है, बट जो बात कराची में है वो आई थिंक एक डिफरेंट कल्चर है, तो आई रियली मिस द रॉकिंग लाइफ ऑफ कराची। सही। तो अफीरा, हमारे शो का जो टॉपिक है वो आपको उसका नाम ही बताता है, थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे। तो ये हमने बहुत सोचने के बाद जॉनरा शुरू किया था, और इसमें जो है वो हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ idioms शेयर कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ हम जो है वो टॉपिक रख रहे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे बात कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीजों पे बात कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में। इट्स रियली ग्रेट, और ये बहुत अच्छा एक स्टेप है टुवर्ड्स इंग्लिश लर्निंग, क्योंकि आजकल जो है वो इंग्लिश की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो और यूजुअली हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग जिस तरह से इंग्लिश हम लोग को स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, तो वो स्टैंडर्ड जो है वो हम लोग को अभी तक एक्वायर्ड नहीं हुआ है। मैंने बहुत से अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। द रीजन इज कि हमारे यहाँ जो है वो इंग्लिश को एक बहुत मुश्किल जबान समझ के एक बहुत ज्यादा हाई लेवल पर जाकर जो है वो पढ़ाया जाता है। अगर इंग्लिश को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाए, इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ा जाए अपनी जबान में समझ के एक तरीके से एक प्रॉपर मेथड के थ्रू, तो आई थिंक इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। बहुत जबरदस्त एक जैसे कहते हैं ना चेंज है, बहुत अच्छा एक माइलस्टोन है। तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स सबा। थैंक यू सो मच अफीरा। बेसिकली इसको करने का मकसद ये था कि हम जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज हैं उनसे कोप अप कर सकें, और फुली तो जाहिर सी बात है नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल यस। कुछ ना कुछ हम आइडेंटिफाई कर लें और कुछ ना कुछ लोगों को सिखा दें। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो सब लोग घर पे हैं, तो आई ऑलवेज ट्राई टू यूटिलाइज माई टाइम टू द फुलेस्ट ना। एक जो हमें टाइम मिला है
चलो ठीक है, एक ट्रेजेडी है, परेशानी है एक पेंडेमिक की वजह से सब कुछ, लेकिन वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम. अगर हम टाइम को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करेंगे ना, तो हमारे अंदर जो एक पॉजिटिविटी है, जब हम इंशाल्लाह एक नॉर्मल लाइफ की तरफ अपनी आएंगे, तो हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो ज्यादा इनहेंस्ड होगी. बिल्कुल, ये तो बात है. तो अफीरा, सबसे पहले हम शेयर करते हैं अपना एक idiom, जो कि है hit the hay. If somebody says that they are going to hit the hay, it means that they are going to sleep early. Great. Excellent. You can say to me when I message you late night, right, Afira, I need your help. You can say, I'm going to hit the hay. Yeah. And yani hum jab padha karte the, hum jab word share kiya karte the, uspe bhi ek lafz aata tha, conk out. Exactly. Bilkul. Conk out means something jo ki isse kafi similar hai. Conked out, exactly. Yes. When I was giving the CSS examination, तो उस वक्त मेरा ये बड़ा favorite word होता था, conked out. तो जहाँ भी ये word होता था, तो मैं word का sentence जो है ना, वो ज़रूर बनाती थी और बड़े interesting sentences में बनाया करती थी. और इन words को मैं use भी अपनी daily routine में करती थी, इन idioms को. तो मुझे सब कहते थे कि यार अफीरा, तुम जो हो ना, तुम बिल्कुल idiomatic. तो हमारा नया शेक्सपियर तैयार होने वाला है अफीरा की सूरत में, लेकिन उससे पहले हम अफीरा से कुछ पूछेंगे कि अफीरा, आप जैसे कि पिछले 5 सालों से तकरीबन सर्विसेज दे रही हैं स्पेशल एजुकेशन में, तो आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को क्या लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, स्पेशली VI स्टूडेंट्स को, कि VI स्टूडेंट्स इंग्लिश को इतना मुश्किल क्यों समझता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सवा. बिल्कुल ऐसा है, मैंने भी चीज बहुत ऑब्जर्व की है कि हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे साथी हैं, उनको इंग्लिश लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होती है. बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उनको इंग्लिश फोबिया होता है. तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश फोबिया है. इसके कुछ रीजंस हैं. एक तो ये है कि जो हमारे बाज जो सीनियर्स हैं, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश को एक बहुत मुश्किल जबान करार देकर हमारे स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड जो फ्रेंड्स हैं, उनके माइंड में ये बात डाल दी है कि इंग्लिश तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, इसमें पास नहीं हो सकते हो, इसको तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसके तो नोट्स नहीं मिलते, दिस एंड दैट. ये तो ये रीजन है. दूसरी चीज, जो हमारा जो स्कूल का जो करिकुलम है, जो हम लोग के जो स्पेशली जो हमारे जो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जो करिकुलम या जो सिलेबस जो है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो बेसिकली इंग्लिश लर्निंग की बेसिक नीड्स को जो है वो पूरा नहीं कर रहा. तो और इसी दूसरी चीज ये भी आती है कि जो टीचर्स हैं, उनको भी प्रॉपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पर उस तरह से कमांड नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे विजुअली साइटेड लोगों को तो प्रॉब्लम होती होती है, वो तो किसी तरह से उस प्रॉब्लम्स को जो है वो यहाँ से देख के पढ़ लिया, वहां से देख के पढ़ लिया, कुछ ना कुछ कर लेते हैं. लेकिन हम लोगों के लिए ये होता है कि हम लोगों का एक बैरियर है, हम लोगों को एक स्पेसिफिक मीडियम चाहिए होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो इंग्लिश को या जो उसको इजी वे में अपने विजुअली इम्पेयर्ड साथियों तक पहुंच जाए. तो इसके लिए जो है वो जो हम लोग, मतलब जो मेरा एक है, जो मैं सर्विसेज देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो ये है कि जो भी पढ़ाया जाए उसको बिल्कुल इजी वे में बताया जाए और उसको हर चीज को उर्दू में बताया जाए. क्योंकि देखिए, जब तक आप एक बच्चे को किसी भी, चाहे वो लेवल पे हो, चाहे वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, चाहे वो हायर लेवल पे है, जब तक आप उस अपने स्टूडेंट को अपनी उसकी जो जबान है, जो ज्यादा बोली जाती है, उसमें ट्रांसलेट करके नहीं बताओगे, तब तक उसके अंदर उस लैंग्वेज का जो एक बैरियर है ना, वो रहेगा. दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम जो है उनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएं. जी, जो हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर हम सिर्फ उनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं तो उनकी स्पेलिंग्स वीक रह जाती हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. जब वो अपनी लेटर ऑन जो है वो राइटिंग स्किल्स को शो करने लगते हैं, तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है. तो अब क्या है कि कोशिश की जाए कि प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा जो है वो फोकस किया जाए, ठीक है. इसी तरह से ब्रेल में जो स्टैंडर्ड इंग्लिश का जो स्टफ है वो इंक्लूड करवाया जाए, ताकि हमारे जो, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो ज्यादा
हाई सेटअप में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बना हुआ है ना कि इंग्लिश जो है वो तो एलिट क्लास की जबान है वो सब कुछ. तो जो क्योंकि हमारे विजुअल इंपेयर्ड में मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से हैं. हम अगर ब्रेल में जो है वो इजिएस्ट वे में, मोस्ट एक्सेसिबल वे में अगर हम इन लोगों को जो है वो प्रोवाइड करें मटेरियल और उनको रीडिंग प्रैक्टिस करवाई जाए, तो आई एम श्योर कि जो स्पेलिंग एरर्स है ना कम से कम वो तो बहुत ज्यादा कम हो सकती है. अच्छा, एक बात और भी लोग कहते हैं कि ब्रेल जो है चूंकि जमाना बदल रहा है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अब ब्रेल की उतनी अहमियत नहीं है. हालांकि माई पॉइंट इज कि ब्रेल जो है स्टिल जो है वो इनके लिए वैल्यूएबल है, इनके लिए जरूरी है, क्योंकि इनको जब तक चीजें पता नहीं होंगी. अब जैसे साइटेड लोग हैं, कितने भी गूगल देख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनकी आंखों से चीज गुजर रही है. तो इस तरह जब तक इनके हाथों से चीज नहीं गुजरेगी, और रीडर उनको किस किस चीज की स्पेलिंग बताएगा रिकॉर्डिंग में. एग्जैक्टली, मैं आपको मजे की बात बताऊँ. व्हेन मतलब आपको पता है मेरी विजन जो वो डिक्रीज हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना. यानी मैंने ब्रेल जो सीखी है वो अभी रिसेंट ईयर्स में सीखी है. और मैंने क्यों सीखी है ब्रेल, मैं पहले मैं भी ये कहती थी अब तो कंप्यूटर का जमाना है, अब तो आईटी इतनी इनहेंस हो गई है, अब तो जो है वो ब्रेल की जरूरत ही नहीं है, अब तो मुझे क्या जरूरत है. लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब मैंने रियलाइज किया इस चीज को कि देखो, जब साइटेड लोग कागज पेंसिल और पेन और कॉपी और अपनी स्टेशनरी नहीं छोड़ रहे, इतना डिस्पाइट के इतना जो है वो जमाना इनहेंस हो गया है टेक्नोलॉजी के बावजूद, अगर साइटेड लोगों ने कलम पेंसिल या जो भी पेपर पेन सब कुछ नहीं छोड़ा, तो हम लोग जो ब्रेल जो बेसिक है, जो बेस है एक ब्लाइंड की, हम वो क्यों छोड़ रहे हैं. बिल्कुल. एक चीज और हमारे सामने आती है कि हम ये देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को अगर थोड़ी अंग्रेजी आ जाए तो वो ये कहते हैं कि जी हमें तो उर्दू आती नहीं है. तो मतलब ये कोई ऑनर की बात तो नहीं है कि हमें उर्दू नहीं आती. मेरे टीचर, मुझे याद है एक दफा उन्होंने हमसे कहा कि जी आए और बोले अपना नाम बताएं, उर्दू में बताएं. क्लास थी इंग्लिश की, तो मेरी एक क्लास फेलो हुआ करती थी, वो कहने लगी कि सर मुझे प्रॉपर उर्दू नहीं आती. तो उन्होंने कहा बेटा जब आपको प्रॉपर उर्दू नहीं आती तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगी, आप तो क्लास से बाहर चली जाएं, आप तो बोल ही नहीं सकती इंग्लिश. क्योंकि जिस शख्स को अपनी जबान नहीं आती सोसाइटी में इतना अरसा रहने के बावजूद, वो किस तरह से दूसरी जबान सीख सकता है भला. इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल जबान है, हमारी कौमी जबान जो है वो नहीं है, ठीक है. ये जबान वो है जो हमने अडॉप्ट की है सिर्फ इस मकसद को हासिल करने के लिए कि हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो है वो प्रॉपर वे में मूव कर सके, ठीक है ना. उर्दू ना आना, इंग्लिश आना कोई फखर की बात नहीं है, ठीक है ना. अपनी जबान जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा हम उर्दू पे मतलब मैं तो कहती हूँ कि हमें अब यानी इतना इंग्लिश का वो हो गया कि मैं कहती हूँ कि अब इंग्लिश से भी ज्यादा उर्दू पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारी कौमी जबान है ये, ठीक है ना. तो ये है कि इंग्लिश भी आने चाहिए, लेकिन उर्दू ना आने पर ये जो फखर हम करते हैं ना, ये बिल्कुल भी एक पढ़े लिखे सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी में ये सोच नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल. और आप ये देखें कि दो तरह के तबके हैं हमारे यहाँ. एक कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो अंग्रेजों की सौगात है, नहीं बोलनी चाहिए. एक तबका वो एक्सट्रीमिस्ट है कि हमें उर्दू नहीं आती. मतलब दोनों एक्सट्रीमिज्म पे जा रहे हैं. तो ऐसे ये तो पढ़े लिखे लोगों की निशानी तो नहीं है ना. बिल्कुल ठीक बात है. बिल्कुल, हमारे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत जो यंगस्टर्स हैं, इवन जो हमारे डिफरेंट जो एलिट क्लास से और डिफरेंट उससे बिलोंग करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें उर्दू नहीं आती, हमने उर्दू नहीं सीखनी, हम तो इंग्लिश. भाई व्हाट इज दिस. उर्दू की अपनी इम्पोर्टेंस है एज आवर ओन नेशनल लैंग्वेज, ठीक है. इंग्लिश की अपनी इम्पोर्टेंस है जस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है. हम लोगों को जो है वो जैसे हमारे सीनियर्स को, हमारे जहाँ पे फोरम्स जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो बातचीत की जाती है, तो उस उन सेटअप्स पर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिफरेंट कंडक्ट करने चाहिए, ताकि उर्दू की भी इम्पोर्टेंस जो है ना हमारी यंग जनरेशन में वो इनहेंस हो. चूंकि जनाब हमारे टॉपिक है थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश पे, तो हम अफीरा से एक बहुत अच्छी चीज सीखेंगे
और वो है पेयर ऑफ वर्ड्स. सबसे पहले तो फिर बताए पेयर होता है पेयर होता है. पेयर नहीं होता राइट. द वर्ड इज पेयर. यस पेयर. लेकिन लोग बोलते ना दो दो तीन तीन के पेयर बना लें. नहीं दो पेयर जो है वो हमेशा दो चीजों का होता है राइट. पेयर कोई बोलता है या पेयर बोलता है तो वो भी ठीक नहीं है. ओके पेयर पेयर पेयर. तो जनाब पेयर मतलब सेट ऑफ टू थिंग्स. ठीक है एग्जैक्टली. व्हिच आर रिगार्डेड एज अ यूनिट. जैसे पेयर ऑफ शूज. एग्जैक्टली यस. जोड़ा जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ दे आर अ पेयर. इसी तरह से आप लोग कहते हैं ना पेयर ग्रुप. पेयर ग्रुप. पेयर ग्रुप मीन्स दो लोगों का जोड़ा. Exactly. तो इसका मतलब ही यही है कि आपने दो चीजों की ही बात करनी है. बिल्कुल एग्जैक्टली. जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स की हम बात करते हैं ना तो एक वर्ड है वर्ड एक ही है लेकिन वो दो कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पेलिंग. इन टर्म्स ऑफ मतलब उनके सिमिलर सेम वर्ड्स सेम साउंड होती है दो वर्ड्स की सेम. जैसे मीट और मीट. ठीक है ये पेयर ऑफ वर्ड है. एक मीट देखो इनकी आवाज जो है साउंड है वो सेम है. इनकी जो स्पेलिंग है और इनके जो मीनिंग्स है वो डिफरेंट है राइट. तो पेयर ऑफ वर्ड्स आर बेसिकली दोज वर्ड्स किसी ना किसी लिहाज से वो सेम होते दो ही वर्ड्स होते हैं. ये नहीं करना कि पेयर ऑफ वर्ड्स में जो है वो हमारे यहाँ एक मिस्टेक भी लोग करते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स में वो काफी ज्यादा सारे वर्ड्स एक तरह के वो ले लेते हैं और फिर कहते हैं ये पेयर ऑफ वर्ड्स है. दिस इज नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट. ठीक है तो पेयर ऑफ वर्ड्स इज बेसिकली दो वर्ड्स जो किसी भी लिहाज से सिमिलर हो. बिल्कुल. इसमें फिर दो डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं होमोनोम्स और होमोफोम्स. तो वो फिर ये कि वो फिर काफी डिटेल्ड टॉपिक हो जाएगा. बिल्कुल. तो आई थिंक आपके शो का फॉर्मेट भी नहीं है. ये तो पता चल जाएगा कि जी पियर होता है या पेयर होता है और पियर दो दो के होते हैं या तीन तीन के होते हैं. ये बात हमारी क्लियर हो जाएगी आज. क्लियर प्लस पियर दोनों हो जाएंगी. तो इसी तरह से पियर प्लस पेयर दोनों हो जाएंगे. तो जनाब बहुत अच्छा लगा आफीरा हमें आपसे मिल के आपसे बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. आप कोई कोटेशन शेयर करना चाहें. एक ऐसी कोटेशन है जो मैं अपनी लाइफ में जो है ना वो इसको अप्लाई करती हूँ. ये है तो बड़ी पुरानी सी लेकिन मैं इसको अपनी लाइफ में जो है ना वो हमेशा लेके चलती हूँ. वो ये है कि नॉट टू ट्राई टू फेल बट फेल टू ट्राई एट ऑल. अमेजिंग. सिंपली अमेजिंग. बहुत अच्छी कोटेशन है. अब आप हमारे सुनने वालों को थोड़ी सी एक्सप्लेन भी कर दें. हाँ जी इसका मतलब तो बेसिकली यही है कि देखिए यू शुड ट्राई एंड ट्राई ट्राई अगेन. जब तक आप अपना वक्त हासिल ना कर लें आपके जितने भी फेलियर्स आपकी लाइफ में आए आप उन फेलियर्स को बिल्कुल कंसिडर ना करें. नॉट टू ट्राई टू फेल बट फेल टू ट्राई एट ऑल. आप फेल हो इसलिए ताकि आप उसको दोबारा ट्राई कर सके. ठीक है यानी सिर्फ कोशिश इसलिए नहीं करनी है कि पता नहीं आप जो है वो कामयाब हो गए नहीं हो गए लेकिन जबकि आप कोशिश करें ताकि आप फेल हो और फिर आप दोबारा कोशिश करें ताकि आपके और अच्छे रिजल्ट्स आए. बिल्कुल. मैंने इस लेवल पर आकर जो है ना लाइफ में ये चीज सीख ली है कि अगर आप कोई भी काम एक दफा करना शुरू कर दो ना और उसमें बार बार फेल हो रहे हो बार बार हो रहे हो तो अपने अंदर जो है ना वो एक ऐसी एनर्जी पैदा कर लो कि आपको दुनिया की कोई भी चीज जो है ना उस जगह तक पहुंचने से रोक ना सके. ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है. और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड ट्राई योर बेस्ट. ये वाली कोटेशन और ये वाली कोटेशन अगर आप सामने रखेंगे तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा. तो जनाब बहुत अच्छा लगा आफीरा से मिलके और आफीरा से बात करके. इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर फॉर अस एंड फॉर रेडियो सबके साथ. थैंक यू सो मच आफीरा फॉर ज्वाइनिंग अस. आपसे इंशाल्लाह ताला हम आपको बार बार तंग करते रहेंगे जहमत देते रहेंगे अपने शो में. इट विल बी एन ऑनर फॉर मी टू कम एंड रेडियो सबके साथ बिकॉज ये हमेशा से मेरा फेवरेट जो है वो रेडियो चैनल रहा है. वाह 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 थैंक यू. Yes. तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड में? लर्नर्स को कोई एडवाइस दें जो उनके काम आ सके इंग्लिश लर्निंग में. जी लर्नर्स को जो है वो मैं यही एडवाइस दूंगी कि जो आप सीखें जो पढ़ें
उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें. सिर्फ पढ़ना, उसको क्रैम करना, एग्जाम पास करना इज नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशन. ट्राई टू फोकस ऑन योर कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है, एथिकल वैल्यूज को बिल्ड करने की कोशिश करें. तालीम का जो फायदा है वो तभी होगा. हमारी जो यंग जनरेशन है इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है. बिल्कुल, ये तो बात है. तो अच्छा फिर ईद उल अज़हा आ रही है, लॉकडाउन है और ईद उल अज़हा भी आ रही है, तो आपको क्या लगता है लोग रुक जाएंगे? लोगों ने इस तरह इस लॉकडाउन में कैसे परफॉर्म किया है? यार लोग, असल में मेरा यही है कि लास्ट टाइम तो जो लोगों ने किया सो किया, वो गलती हो गई लोगों से, या लोगों को पता नहीं था. उसके बाद जो हशर हुआ, लाइक जो 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 हमारे यहाँ केसेस जो हैं वो इंक्रीज होते चले गए, तो मेरा ये ख्याल है कि अब दिस इट्स अबाउट टाइम कि लोगों को सीख जाना चाहिए. गलतियों से इंसान जो है वो सबक हासिल करते हैं. सही वक्त पे सही फैसला लेना चाहिए. फिर इसके लिए डेस्परेट कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स. बिल्कुल बिल्कुल यही है. तो ये है कि अगर मिस्टेक पिछले दफा जो किया, इस दफा अगर वो ना हो तो आई थिंक हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा. ईदें तो आ जाएंगी, लेकिन ये है कि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. वेरी गुड, अमेजिंग. तो जनाब इसी के साथ ही हम अपना प्रोग्राम रैप अप करते हैं. थैंक यू सो मच अफीरा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह और आपको जरूर बुलाएंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. तो लिस्टर्स इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम भी इख्तिताम पज़ीर हुआ. मिलेंगे आपसे फिर. आप रखना है ख्याल अपना और साथ साथ उन लोगों का कि जो आपसे प्यार करते हैं, और उनका भी रखना है जो आपसे प्यार नहीं करते, और उनको एहसास दिलाना है कि इंसानियत क्या होती है. ह्यूमैनिटी फॉर ऑल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर. टिल देन अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.